आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज सवाल आपका में बात होगी आपकी सेहत से जुड़ी। केवल दूध ही नहीं बल्कि दूध से बने उत्पाद भी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। भारतीय घरों में दूध को किसी न किसी तरीके से आहार में शामिल किया जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि दूध और दूध से बने तमाम उत्पादों में मिलावट का खेल चल रहा है। खास तौर से धंधे में कमाई के चलते दुकानदार दूध, घी, खोया, पनीर आदि में मिलावट करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और जागरूकता न होने की वजह से एक आम व्यक्ति को इसमें मिलावट का जरा भी अनुमान नहीं होता। ऐसे में स्वास्थ्य खराब होता है। आज सवाल आपका में हम इसी पर बात करेंगे। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घर बैठे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो असली है या फिर मिलावटी। देखिए, पनीर खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है इसके फायदे भी उतने ही ज्यादा होते हैं। पनीर खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं और ये हमारी सेहत को और भी कई प्रकार के फायदे पहुंचाता है, और इसी की वजह से पनीर की बाजार में खपत भी काफी ज्यादा है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार नकली पनीर भी बाजार में बेच रहे हैं, जिसके सेवन से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला पलवल में हथीन के गाँव कोट से सामने आया है। सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद सवाल आपका में चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये सफेद जहर बनाने का काला कारोबार आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। ये दावा हमारा नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में किया गया है। पलवल के कोट गांव में नकली पनीर बनाने का वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है। मक्खियों और बदबू के बीच रिफाइंड और केमिकल की मदद से बनते पनीर को देख लोगों का मन विचलित हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही किसी का मन पनीर खाने को करेगा। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को लगी, विभाग की टीम छापेमारी के लिए कोट गांव पहुंची तो दूर से ही पनीर के सड़ने की बदबू आने लगी। गंदे गंदे बर्तनों में केमिकल से पनीर बनाया जा रहा था। टीम ने जांच के लिए पनीर के सैंपल लिए। वहीं जब विभाग की टीम दूसरी फैक्ट्री की ओर जाने लगी तो वहां के कर्मचारी अपना कच्चा सामान लेकर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग को कुछ नकली पनीर बनाने की दो सोशल मीडिया पे दो वीडियो वायरल हुई थी, उसके आधार पर सीएमओ साहब ने टीम गठित करी स्वास्थ्य विभाग की ओर से और पुलिस विभाग की तरफ से। उसमें यहाँ पे मौके पर जाके देखा गया कि एक के तो हमने सैंपल ले लिए हैं, मौके पर वहाँ पर पनीर मिला और वहाँ पे लोग भी मिले जिनकी सैंपलिंग कर ली गई है। दूसरी जगह पर हमने आके देखा, वहाँ पे सब कुछ सामान खाली पड़ा हुआ है और कुछ पनीर वगैरह हमें नहीं मिला है। यहाँ पे देखने में तो बहुत गंदगी है, मक्खियाँ हैं काफ़ी और स्मेल काफ़ी बदबू आ रही है उससे, और देखने में ये हाइजेनिक नहीं है और हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, इससे बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। पनीर खाने के शौकीन यहाँ आकर अपनी आंखों से पनीर को बनता देख लें तो शायद ही कभी वो जीवन में पनीर खा पाएं। वीडियो को देखकर हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि सवाल यहां सेहत से जुड़ा है। पलवल से खबर फास्ट के लिए सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर घर बैठे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो पनीर आप खा रहे हैं वो असली है या फिर मिलावटी। कुछ ग्राफिक्स हमने बनाए हैं, उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स। सबसे पहला तरीका, पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा आप अपने हाथ में मसल कर देखें। अगर आपको लगता है कि वो पनीर टूट रहा है
तो इसका मतलब आप ये समझिए कि वो पनीर में मिलावट है, यानी कि वो पनीर असली नहीं है, प्योर नहीं है। पनीर को परखने के लिए एक और तरीका है, आप उसे पानी में सबसे पहले उबाल लें, ठंडा होने के बाद उस पर कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर, या अगर आयोडीन टिंचर आपके पास ना हो तो सोयाबीन के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पनीर का रंग नीला हो जाए तो समझिए कि पनीर मिलावटी है, यानी कि वो प्योर पनीर नहीं है। तीसरा तरीका, असली पनीर टाइट नहीं होता है, लेकिन जो मिलावटी पनीर होगा उसमें टाइटनेस होती है। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि पनीर असली है या फिर मिलावटी। खाते समय रबड़ की तरह खिंचने लगता है जो मिलावटी पनीर होता है। अब कुछ सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे, वो सवाल देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिनके इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा रहेगी। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, सवालों पर एक नजर। दूध और दूध के उत्पादों में मिलावट होती कैसे है? दूसरा सवाल, कैसे करें असली और मिलावटी की पहचान? जो फूड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे वो इस बात की जानकारी देंगे, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि लगातार मामले सामने आते हैं। होली नजदीक है, फूड डिपार्टमेंट कितना सक्रिय है, क्योंकि जाहिर सी बात है मिठाइयों की बिक्री शुरू होगी और ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके जहन में कोई भी बात हो और अगर आपके आसपास इस तरीके से आप कभी देखते हैं तो सीएम विंडो पर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। वरुण शोकंद हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत गुप्ता, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि पलवल का मामला है, पलवल में कब से चल रहा है मिलावटखोरों का ये गोरख धंधा, और ये जो फैक्ट्री है वो कहाँ कहाँ पर इस पनीर की सप्लाई करती थी? देखिए मैम, हम वहीं इनपुट आया था हमारे पास, वहीं जो पलवल के पास ही है, और फिर जब हम देखने गए वहां पे तो वहां पे करीबन 15 फैक्ट्री में इस तरह की 15 फैक्ट्री जहां पे नकली पनीर बनाया जा रहा था। जैसा कि आपने शायद वीडियो देखा भी, हमने लाइव वीडियो बनाया वहां पे, बिल्कुल, और उस वीडियो में जैसे हमने एंट्री किया, हमने पूछा कि ये पनीर कैसे बनाया जा रहा है, तो उन्होंने हमें कहा कि हम पानी से पनीर बना रहे हैं। और फिर हमने दोबारा इंसिस्ट किया, हमने कहा रियली? तो उन्होंने कहा हम पानी से पनीर बना रहे हैं। तो जब अंदर जाके हमने देखा तो एक व्हाइट कलर का पेस्ट था और रिफाइंड ऑयल के बहुत सारे टीन रखे हुए थे वहां पे, जो पाल्म ऑलिव ऑयल, उससे और उसको मिक्स करके उन्होंने बताया कि इसको जब पाल्म ऑलिव ऑयल ज्यादा चर्न किया जाता है तो वो टूट जाता है फैटी एसिड्स, और वो मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, और व्हाइट कलर का पाउडर मिला के उससे कुछ इस्तेमाल हो रहा था वहां पर। वरुण जी, टोटली केमिकल्स है वो, आप वीडियो देखेंगे, बिल्कुल हमने देखा है वीडियो, और दर्शकों को भी वो वीडियो हमने दिखाया, उसी के बाद इस मुद्दे को उठाया गया क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा। लेकिन कब से कर रहे हैं वो इस तरीके का काम? क्या आज से पहले कभी वहां पर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पहुंचे, कोई वहां पर कुछ जांच की गई इस तरह की? मैम, 2 साल पहले हमने फरीदाबाद में 27 सैंपल चेक करवाए थे पनीर के, जिसमें से 26 फेल हुए थे। तो मैं तो ये कहूंगा जो फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर है, दे ऑल आर इन्वॉल्वड, 100% जो पनीर हमारे यहाँ पे आ रहा है वो सब नकली है जी, कम्प्लीटली नकली। कहाँ कहाँ पर सप्लाई होता है यहाँ से पनीर? देखिए दिल्ली, फरीदाबाद, मेरे पास नरवाना से भी फोन आए हैं, इवन पंजाब में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह यही कारोबार चल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। लक्ष्मीकांत गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं, बेहतर तरीके से जानकारी पहुंचा सकते हैं हम तक। लक्ष्मीकांत जी, ग्राफिक्स के जरिए पहले भी दर्शकों को मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं पनीर असली है या फिर मिलावटी, लेकिन बात सिर्फ पनीर की नहीं है, और मिठाइयां भी होती हैं, और ऐसे दूध से बने कई डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मिलावट की जाती है, तो कैसे लोगों को पता लगे? जैसे आपने पनीर के बारे में बताया कि इसमें आयोडीन की डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, अगर सिंथेटिक पनीर होगा तो इसकी जांच से पता पड़ जाएगा जी, और जैसे खाने से टेस्ट से पता पड़ जाता है। अगर सोयाबीन तेल से मिला, क्या कई बार क्या होता है दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है और उसमें सोयाबीन रिफाइंड मिला के और मिठाइयां बना देते हैं, तो उससे क्या कि उनको फायदा कम रेट में अधिक फायदा मिल जाता है, और क्रीम निकाल के भेज देते, उसमें सोयाबीन रिफाइंड या वनस्पति मिला के उससे ये मिठाइयां सूजी मिला देते हैं या और से पाउडर से, दूध के पाउडर से उसमें रिफाइंड सोयाबीन मिला के आर्टिफिशियल मावा बना लेते हैं जी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, मिलावट करने के भी कई तरह के तरीके होते हैं, कई तरह के सामान होते हैं जिनसे मिलावट की जाती है,
लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिनके मिलावट करने से लोगों की सेहत पे बहुत ज्यादा गंभीर और बुरा असर पड़ सकता है? सिंथेटिक मवाद जैसे मान लो आर्टिफिशियल किसी से बनाते हैं, जिससे यूरिया से या केमिकलों से बनाते हैं, वो बॉडी के लिए हानिकारक है, वो पेट के लिए किडनी पे इफेक्ट डालते हैं और लॉन्ग टाइम तो यूज करने से कार्सिनोजेनिक टाइप हो जाते हैं। जी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो फूड डिपार्टमेंट है, खाद्य सुरक्षा विभाग है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है? जैसे कि हमारे साथ वरुण जी जुड़े हुए हैं, किस्सा आपको बता रहे हैं हरियाणा के पलवल जिले का, जहां से पूरा मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 साल हो गए, 2 साल पहले सैंपल्स जब जांच के लिए दिए गए थे, 27 में से 26 सैंपल्स का फेल हो जाना, लेकिन उसके बाद जांच नहीं की जाती। क्या मानते हैं आप, कितनी बड़ी जिम्मेदारी फूड डिपार्टमेंट की? नहीं मैडम, जैसे सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल फेल होने के बाद में उसका प्रोसिक्यूशन करते हैं हम, और कोर्ट में जैसे रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कोर्ट में हम उसको प्रोसिक्यूशन में डाल देते हैं, और जैसे न्याय निर्णायक अधिकारी के पास जाता है तो उसके ऊपर सजा होती है इनका। ठीक है, लेकिन वरुण जी देखिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी हरियाणा से नहीं है, इसलिए मैं, मुझे लगता है कि वो इस बात का बेहतर तरीके से, जो आपकी क्वेरी है पर्टिकुलरली कि 2 साल ऐसा हो चुका है होते हुए, लेकिन अब तक उसकी जांच नहीं की गई। आज इस कार्यक्रम को इस मंच के जरिए उठाने का मकसद यही है कि आवाज जो है प्रशासन तक पहुंचे और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। क्या लगता है वरुण जी, आपको कितनी ज्यादा जरूरत है इस वक्त मिलावट पर कसावट की? देखिए मैम, जहर खा रहे हैं हम, और किसी कभी भी शादी में चले जाते हैं तो अगले दिन पेट खराब हो जाता है। आप जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं वहां पेट खराब हो जाता है, 5-स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां भी पेट खराब हो जाता है। तो ये यूजुअली हर किसी के साथ, आप तीसरे आदमी से पूछेंगे तो ऐसा हो रहा है, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि टोटली मिलावट है। और इट्स नॉट अ, ये जो कह रहे हैं ना कि स्किम मिल्क से बना दिया जाता है या फिर सोया पनीर है, ऐसा नहीं है। वो टोटली ही, वहां पे हमें कोई स्किम्ड मिल्क नहीं मिला। आप वीडियो देखिए, बड़े बड़े टीन रखे हुए थे और एक पेस्ट व्हाइट कलर का, वो ये ज्यादा बेटर बता सकते हैं। हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों को साथ में सिर्फ इसलिए नहीं लग रहे थे कि ये लीक कर देते उसको। ठीक है, आपके पास दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं कि जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो साथ में मिले हुए हैं और इसी वजह से मिलावट का ये घोरक धंधा इतने लंबे समय से चल रहा है वहां पर। लौटती हूँ आपके पास, और भी सवाल रहेंगे। भिवानी से दर्शक अनिल जुड़ गए हैं। अनिल जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये बोल रहा था मैडम, ये यानी कि मिलावट का धंधा तो लगातार चलता ही रहेगा जी, क्योंकि ये इसमें सरकार का दबाव होता है। अगर मिलावट बंद कर देंगे तो दूध का राउट 100 से भी ज्यादा हो जाएगा। इस कारण से ये धंधा तो चलता ही रहेगा। मैं भी खुद दूध का काम करता हूँ, और यानी कि प्योर दूध बाजार में डालेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, इस कारण से ये मिलावट चलती ही रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मिलावट चलती रहेगी, लेकिन क्यों चलती रहेगी, कैसे चलती रहेगी, बड़ा सवाल ही है। क्या यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर्स, इसमें फूड डिपार्टमेंट से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? लक्ष्मीकांत जी बड़ा गंभीर आरोप लगते हुए। नहीं मैडम, ये कहना गलत है कि हम तो बारी बारी से चेक करते हैं, और जहाँ ऐसी कोई मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और न्यायालय में केस परिवाद दायर किया जाता है। अगर ऐसी कोई गंभीर मामला मिलता है तो उनके खिलाफ FIR कराई जाती है और कई केस कराए भी हैं। लेकिन खाद्य पदार्थों की शुद्धता को सुनिश्चित करना, ये खास तौर पर फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कितने शुद्ध हैं ये आप सुनिश्चित कीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अब देखिए होली भी नजदीक है, इससे पहले दिवाली थी, फिर नया साल, तो ऐसे में मिठाइयों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है, फूड डिपार्टमेंट इन दिनों किस तरीके से एक्टिव रहता है? लक्ष्मीकांत जी। नहीं मैडम, अब खपत तो त्योहार पर होती है, ये तो अपन मानते हैं, दूध मावे की खपत त्योहारों पर शादी विवाह में बढ़ जाती है, लेकिन जब बार बार इसे हम रेड डालते हैं, सैंपलिंग लेते हैं, अगर ऐसा कोई गंभीर मामला मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा तो है ही नहीं कि कार्रवाई नहीं हो, और होती भी है कार्रवाई। वरुण जी, अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो सारी चीज मिलावटी मिल जाए। ठीक है वरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो बात भी कहिएगा। एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि देखिए पलवल में ये कोई पहला मामला नहीं है। मुझे याद है कि जब दिवाली थी 2020 में, तब हमने देखा था नवंबर में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे, मिलावट के पहले भी केसेस सामने आ चुके हैं, पहली बार पलवल में ऐसा कोई केस नहीं है। तो होली अब नजदीक है, आपको लग रहा है कि वहां पर फूड डिपार्टमेंट सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो चुका है? मिलावट के फूड 2011 में 20 जुर्माना हो सकता है, वो 5,000 से लेकर 50,000 और 5 लाख रुपए तक है।
जितना गंभीर उसमें मतलब खतरनाक है, वो हार्मफुल है, उस हिसाब से ये किया जा रहा है जी। तो ये तो कहना मतलब गलत है कि भैया एफआईआर दर्ज करी है। और जो आप कह रहे हैं त्योहार पास आ रहा है, त्योहार की बात छोड़िए मैम, दूध कहीं है ही नहीं देखने को, तो फिर ये कैसे बना रहे हैं, टोटली मिलावटी आ रहा है। उनको तो इन्होंने अरेस्ट कर लेना चाहिए था जाते ही। मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि खबर ये मिल रही है कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि लोग वहां से फरार हो गए थे। अब होली नजदीक है, जाहिर सी बात है मिठाइयों की बिक्री होगी। आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। यही मेरा सवाल है कि क्या अब आपको लग रहा है फूड डिपार्टमेंट वहां पर काम कर रहा है? अगर वहां पर एक फैक्ट्री से ये सबक ले लिया कि वहां पर मिलावटी पनीर बनाया जा रहा है जो कि लोगों की जिंदगी के साथ सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या अब फूड डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है? मैम देखिए, डीसी साहब ने, फरीदाबाद यशपाल यादव जी ने, और पूनिया जी हैं हमारे जो सीएमओ साहब हैं, उन्होंने से मेरी बात हुई थी, ट्वीट भी किया मैंने, फोन पे बात हुई, मिलने भी गया फिर उनसे, उन्होंने स्टेप लिया है। लेकिन आज रेड हुई है लेकिन कोई अरेस्ट नहीं किया गया और वहां पे रिफाइंड नहीं मिला। देखिए क्योंकि इतना ज्यादा वीडियो वायरल हो चुका था उस टाइम, ये चीजें तो मिलनी नहीं थी वहां पे। लेकिन जो वायरल वीडियो पे भी, डेट इज अ लाइव वीडियो, एडिशन उसमें एडिट नहीं हो सकता था, इनको सीधा अरेस्ट करना चाहिए था। अगर अरेस्ट करने का प्रावधान था तो क्यों नहीं किया गया? आपको क्या लगता है कि अरेस्ट जानबूझकर नहीं किया गया या वो लोग वहां से फरार हो गए, क्या कारण था? मैम दो फैक्ट्री पे, एक फैक्ट्री वाले फरार हुए, एक फैक्ट्री वाले वहां थे लेकिन नहीं अरेस्ट किया गया किसी को। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी इस बात की जानकारी देंगे। लक्ष्मीकांत जी क्या, एक मिनट प्लीज, हाँ जी कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। एक चीज और मिलाई जा रही थी, तंबाकू चूना मिलाया जा रहा था जो तंबाकू का होता है, आपने वीडियो देखी हो तो ग्रीन पैकेट था, उसने खुद कहा कि इसको हम व्हाइट करने के लिए डालते हैं दूध में, वो कितना हानिकारक है, इनसे पूछिए सर से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आती हूँ लक्ष्मीकांत जी के पास। एक दर्शक जुड़ गए यमुनानगर से, मनमीत। मनमीत जी स्वागत है आपका। मनमीत जी मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? पहुँच रही है। हाँ जी पूछिए अपना सवाल। मनमीत जी अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, लगता है कुछ टेक्निकल एरर है। लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए इस बात का, वो कह रहे हैं कि तंबाकू के अंदर जो चूने का प्रयोग किया जाता है, जो पाउडर यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या आप लोग ये कानून के दायरे के अंदर आता है कि अगर आप इस तरीके की मिलावटखोरी का गोरख धंधा जाकर के देखते हैं, रेड करते हैं, वहां पर आपको पता लगता है, तो क्या आप मौके से वहां पे लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं? जी मैडम, उसमें एफआईआर लॉज करानी पड़ती है और ऐसा कोई गंभीर मामला मिलता है, जैसे कि मान लो, जैसे इन भाई साहब ने बताया कि चूना मिलाया जा रहा है, चूना मिलाने से क्योंकि आंतें कटती है, अगर आप मिठाई में चूना डालेंगे तो आंतों को नुकसान करते हैं, आंतें गल जाएगी। अगर रेगुलर अपन खाते रहेंगे स्टमक को, इनको किडनी पे इनको डैमेज करेगी जी। और ऐसा कोई गंभीर मामला मान लो ऐसा कोई लॉज का पाया जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉज लगता है कि ये हानिकारक है तो उसके खिलाफ माल सीज करके एफआईआर लॉज कराई जाती है। कई जैसे इन्होंने बताया कि सब जुर्माना देके छूट जाते हैं, तो जैसे कि दूध में या मिठाई में सब स्टैंडर्ड तीन तरह की मिलावट होती है जी। एक तो जैसे मिस ब्रांडेड आ गया, जैसे पनीर कोई ब्रांडेड कंपनी का आया तो उससे कोई तारीख अंकित नहीं है, बेस्ट बिफोर नहीं है, या फिर सब स्टैंडर्ड आता है तो मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड में क्या जुर्माना है, वो हानिकारक नहीं होता है बॉडी के लिए लेकिन आर्थिक नुकसान से कम होता है, जैसे पैसे के साथ जाती है। कोरोना काल ने हम सबको ये सिखा दिया कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ है नहीं और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। महंगाई की मार लोग इस वक्त झेल रहे हैं, ऐसे में अगर वो पूरा दाम दे रहे हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, उनको उसके मुताबिक वो चीज नहीं मिल रही है, यानी कि लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, 400 BC मैं तो इसको कहूंगी। जी मैडम, जैसे पनीर है, पनीर में फैट कंटेंट्स कम पाए तो वो सब स्टैंडर्ड में आएगा पनीर तो सिर्फ। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून थोड़ा सख्त होने की जरूरत है? मैडम कानून तो सख्त है अपने आप में, कानून तो अगर ऐसे कोई मिलावटी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर मतलब आजीवन तक कारावास है गंभीर मामलों में। वरुण जी क्या सहमत है इस बात से? शरीर के लिए नुकसान। आप इनसे ये पूछिए इन्होंने आखिरी में अरेस्ट कौन किया था, लास्ट कितने साल पहले या 20-30 साल पहले कोई अरेस्ट किया था या नहीं किया था?
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अरेस्टिंग का कोई प्रावधान नहीं है। वरुण जी, आपको लगता है कि इसे कानून सख्त होने की इस पूरे मसले में जरूरत है कि कानून की ऐसी सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिलावट आप किसी भी चीज की कर रहे हैं, आप नकली सामान दे रहे हैं लोगों को, कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, एक चीज फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जब इनको पता है, देखिए इनको सिर्फ हमारे देश में मुझे लगता है कि सिर्फ पनीर की गुणवत्ता नापने के लिए फैट लेवल है इनके पास, उस लेवल की मशीनरी हमारे पास नहीं है कि हम ये बता सके कि ये एक मिल्क जनरेटेड पनीर है या सिंथेटिक, सिर्फ फैट नापते हैं ये, जो कि रिफाइंड ऑयल करके पूरा मिला के पूरा किया जा सकता है, तो वो उस लेवल की मशीन होनी चाहिए, चेकिंग उस लेवल की होनी चाहिए। और जब एक चीज ने किसी ने मिलावट कर दी, मतलब इट मींस चीट किया, चीटिंग का तो 420 बननी चाहिए, ठीक है। और जो अरेस्टिंग वाली बात मैं कह ही रहा हूं, कानून इस पूरे मसले में सख्त होने की जरूरत है, ताकि जो मिलावट खोर हैं वो लोगों की सेहत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना कर पाएं, क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है, कितने सालों से देख रहे हैं इस तरीके के मामले सामने आते हैं, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों से सामने आते हैं, केवल हरियाणा की या पलवल की बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी हर जगह से इस तरीके के मामले, एक दो मामले हम देखते हैं अक्सर, जो ओकेजनल सीजन में ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं कि सामने आते हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास, एक दर्शक है अंबाला से, प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी स्वागत है आपका। मैम मेरा पिछला सवाल है, ये पनीर बनाने के लिए इतना दिन आ कहाँ से रहा है, इतना दिन आ कहाँ से रहा, और दूसरी बात मेरी ये है कि दूध के भी स्ट्रक्चर को दो दो जिले तीन तीन जिले दिए हुए हैं और सबकी मंत्री बनी हुई है, उनके खिलाफ FIR कौन दर्ज कराएगा जी? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, वरुण जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसी कुछ मशीन सी हमारे पास नहीं है जो इस तरीके से मिलावट खोरी का पता लगा सके, केवल फैट मेजर आप कर सकते हो मशीनों के जरिए। हेलो, हाँ जी लक्ष्मीकांत जी। जी मैडम, हम जो सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद में फूड लैब में जाता है और उस फूड लैब से रिपोर्ट आती है कि इसमें मिलावट किस श्रेणी की, किस प्रकार की है, अगर कोई हानिकारक शरीर के लिए हानिकारक होता है, अंग भंग है, तो उसमें अनसेफ कंडीशन में आता है तो उसके ऊपर सजा है, और सब स्टैंडर्ड मिसबैंडर्ड में जैसे मैंने बताया कि वो न्याय निर्णय के अधिकारी ADM के कोर्ट में लगता है, उसमें up to 5 लाख तक का जुर्माना होता है। जी ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो है कानून का दायरा जो बना हुआ है इसको लेकर के, वो आपको लगता है पूर्ण रूप से सशक्त है ऐसे मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? जी मैडम, FSS एक्ट तो अपने आप में इतना सशक्त है, ठीक है, और इसकी पालना पूर्णतः हो रही है, तो इसमें पूरा मैंने आपको मैं इसी बात पर आ रही थी कि अगर कानून है तो उसकी पालना कितनी हो रही है। नहीं मैडम, अगर अपराध ऐसे आपराधिक पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई तो होती है, वो तो फिर प्रोसिक्यूशन में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो जज इसमें सजा ही देता है। ठीक है ठीक है। वरुण जी, आप अभी तक, क्योंकि आप लगातार एक्टिविस्ट रहे हैं और एक्टिव भी रहे हैं इस तरीके के मामलों में, कितनी बार आपके सामने ऐसे मामले उजागर हुए जब आपने देखा कि मिलावट खोरों की वजह से, बेशक वो किसी भी चीज में हो, डेयरी प्रोडक्ट्स में हो, मसालों में हो, कितनी बार ऐसे मामले आपने आंखों देखे? मैम देखिए, पनीर का तो मामला आया ही है। आप सर से एक चीज पूछना चाहूंगा, वो बड़ा अच्छा सवाल किया है आपके दर्शक ने कि हरियाणा में उत्पादन या इंडिया में उत्पादन कितना हो रहा है और उसकी खपत कितनी है। अब उसका डिफरेंस अगर नाप लिया जाए तो कहां से आ रहा है पनीर? तो हमारे तो पनीर, दूध है, ये सब की सभी टोटली नकली डुप्लीकेट चीज है। और बात सब ये कह रहे हैं सब स्टैंडर्ड, व्हाट डू मीन सब स्टैंडर्ड? अगर पानी क्यों मिला रहा है वो, अगर जब हम पैसे उसको पनीर के दे रहे हैं, अब वो सब स्टैंडर्ड ये कह रहे हैं हानिकारक है या नहीं है, मतलब जब आदमी मर जाएगा तभी कार्रवाई होगी, नहीं तो वो ठीक है? ये तो ये कहना चाह रहे हैं कानून के हिसाब से, मैं सर की बात नहीं कर रहा, मतलब कानून ही इतना ढोलमोल है कि जब तक इंसान मर नहीं जाएगा तब तक वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, मैं कॉन्फ्रेंस आ रही, कॉन्फ्रेंस आ रही। तो मैं तो यही चाहूंगा, बार बार फरीदाबाद गुड़गांव आप ये देखिए, हमारे हरियाणा की बात हम करें, आप ये देखिए पिछले लास्ट 5 या 7 साल में कितने कैंसर हॉस्पिटल खुले हैं, न्यूमरस नंबरों में। फरीदाबाद की अगर बात करूं, एशियन कैंसर हॉस्पिटल, अभी अम्मा कैंसर हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, मेट्रो ने अपनी ब्रांच खोल दी, सर्वोदय ने अपनी ब्रांच खोल दी, QRG ने अपनी से कैंसर, तो इतने सारे न्यूमरस नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, जब भी तो हॉस्पिटल खुल रहे हैं इवन देहात में, तो ये इसी वजह से हो रहा है, लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता, धीरे धीरे स्लो पॉइजन है।
लेकिन सर के हिसाब से जैसे सर कह रहे हैं, आप उन्हीं की बात को पकड़ना देखिए आप उनको थोड़ा सा, वो कह रहे हैं कि मर जाएगा तो हार्मफुल है वो, नहीं तो वो सबस्टैंडर्ड है। वो इस तरीके से नहीं कह रहे, शायद वो कानून की बात कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा गंभीर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें इस तरीके के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों की सेहत पर सीधा असर डालता है, क्योंकि कानून तो उन्होंने नहीं बनाए वरुण जी, इस चीज को हमें भी समझना होगा। कानून अगर है तो कानून का अमल कितना किया जा रहा है ये उनकी ड्यूटी बनती है। मैडम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले दूध के अंदर पानी मिलाया जाता था तो 2 साल की सजा थी, अब उसे दूध में पानी को आप सजा नहीं कहेंगे, क्राइम नहीं कहेंगे, अब उसे सब स्टैंडर्ड कहेंगे। आप समझ रहे हैं मतलब डिफरेंस, ये 2011 के बाद हुआ है, तो सशक्त कानून की जरूरत है मैम, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और आप ये बताइए, और वरुण जी देखिए, आपने जिस फैक्ट्री की बात आप कर रहे हैं जहां पर इस तरीके से पनीर बनाया जा रहा था, आपने बताया कि किस तरीके से फरीदाबाद, दिल्ली, यहां तक पंजाब तक में आप कह रहे हैं, चंडीगढ़ में भी उसकी सप्लाई होती थी, अगर इतने बड़े स्तर पर ये फैक्ट्री सप्लाई कर रही थी और मिलावटखोरी का धंधा यहां पर चल रहा है, इस तरीके से पनीर बनाया जा रहा है जो कि लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है, उनकी सेहत पर सीधा असर डाल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पे फूड जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसको सक्रिय होने की जरूरत है, यहाँ पर उनको देखने की जरूरत है कि ये मामले कितने दिनों से कितने समय से सामने आ रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री कब बनी थी इस बात की क्या जानकारी है वरुण जी? मैम कोई नाम नहीं है फैक्ट्री पे, इस पे जुर्माना करेंगे आप? वो आपने वीडियो देखी, उसमें खुद कह रहा है 700-800 किलो पनीर हम हर रोज एक फैक्ट्री भेजती है जी, 15 फैक्ट्रीज वहां है, 3 फैक्ट्री में तो हम गए थे, और ये रेड मारना इनका काम था, ये हमारा काम नहीं है जी, इन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? क्या आपकी तरफ से कोई शिकायत ऐसी पहुंचाई गई उन तक? मैम ट्वीट्स मैंने बहुत सारे करे और वीडियो तो मैम सभी देख रहे हैं, लाइव वीडियो बिल्कुल बिल्कुल, और काफी व्यूज है उन वीडियोस पर, मैं देख रही थी उन वीडियो पर जी। तो क्या अब तक फूड इंस्पेक्टर जी वहां पर जो फूड इंस्पेक्टर पहुंचे, उन्होंने उनकी तरफ से आपको क्या आश्वस्त किया गया, क्या कहा गया उनकी तरफ से आपको? देखिए मैम वहां पे नारायण दत्त शर्मा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, ही इज सेइंग कि आई एम आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। एक मेरे ख्याल से संदीप चौधरी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मतलब ही वाज दे वर नॉट सीरियस। सीएम विंडो पर शिकायत? नो मैम, सीएम विंडो पर शिकायत नहीं करी। ट्वीट्स देखिए मैम, प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे हैं, हमारे डीसी सारे जो एक ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर, ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया और मैं डायरेक्ट मिला भी यशपाल यादव जी, हमारे डीसी हैं। देखिए आपने एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक और यहाँ पर विंडो, जो सीएम विंडो पर हम शिकायत कर सकते हैं, एक बार वहां का भी रास्ता हमें अपना कर देख लेना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम के पीछे मकसद यही है कि आवाज प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, कि जिस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा, इस तरीके की रेड्स करना ये फूड विभाग की, फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, पैसा कमाने की होड़ में मिठाइयों में मिलावट करके लोगों की बीमारी की वजह बनते हैं, ऐसे में प्रशासन के साथ साथ हमें खुद भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि कोई भी हमारी या हमारे परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ ना कर सके। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ, नमस्कार। We'll be right back.